मेरा नाम है और मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और ये कोई 2018 की बात है। मेरे लाहौर में एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मेरी डिग्री लाहौर में चल रही थी और मैं इस्लामाबाद में था, तो मेरा हर वीकेंड पे आना जाना लगा रहता था, तो बहुत हेक्टिक रूटीन थी। तो एग्ज़ाम्स के लिए भी मैं यहाँ पे जॉब करता था और वीकेंड पे वहाँ पे जाता था और पेपर वगैरह दे के आता था। तो जब मेरे पेपर ख़त्म हुए तो मैं फारिग बैठा हुआ था, तब मैंने सोचा कि आज कुछ एडवेंचर किया जाए। तो उस टाइम फिर मेरा दिल किया कि कहीं से स्टाफ सिक्योर किया जाए। ढूंढने के लिए तो मेरे पास तो कोई उस तरह से सोर्स नहीं था कि मैं कहीं से सिक्योर कर सकूं, और ना कोई उस तरह से दोस्त था कि डायरेक्ट जिससे बंदा कुछ पूछ सके। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्यों ना गूगल से सर्च किया जाए, शायद कुछ मिल जाए। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसको स्टफ़ बोलते हैं, तो मैंने कन्फ्यूजन में वहाँ जाके चरस बोल दिया। तो वो कोई वहाँ एक पुरानी सी बिल्डिंग थी और मैंने देखा कि छत पे कोई बंदा खड़ा हुआ है। तो मैं भी डरते डरते उस बिल्डिंग के अंदर चला गया हूँ, और अंदर जाके जब मैं छत पे पहुँचा हूँ तो वहाँ पे कोई तीन अजीबोगरीब किस्म के लोग खड़े हुए थे। पहले तो उनको देख के मेरी फट गई कि ये तो बहुत ही कोई वैश्य किस्म के लोग लग रहे हैं, तो ये कुछ कर ना दें। पर फिर मैं वहाँ से डरते डरते उनके पास गया हूँ, और वहाँ जाके मुझे बस यही याद था कि मैंने उनसे पूछना है कि काला कौन है। काला कौन है? सारे का तनु की चाय दे। तो उस बंदे ने मुझे गर्दन में हाथ डाला, तो मेरी और खड़ी कि ये कोई और इसी होने लगा। कितने दी चाहिए? हजार। तो उसने एक और बंदे को इशारा किया। अब हम वहाँ पे खड़े भी हैं और एक और बंदा कहीं चला गया। अब तब भी मुझे डर लगे कि वो बंदा पता नहीं कहाँ गया और मैं किसी वीरान सी जगह पे कोई अनजान लोगों के दरमियान में खड़ा हुआ। उसने मुझे सिगरेट लगा के दी, और अभी दो तीन कश लगाए थे तो उधर से दूसरा बंदा वापस आ गया। उसने ला के उसके हाथ में एक पैकेट पकड़ाया, तो उसने वो पैकेट मुझे पकड़ा दिया। वो फर्स्ट टाइम ऑर्डर है। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ तो फिर पीछे से आवाज़ आई, सोना। तो तब फिर मुझे लगा कि अब कोई सीन होने लगा। फिर चाहिए हुई तो कॉल कर दी, भेज देंगे। बस फिर मैं वहाँ से जल्दी जल्दी भाग के निकल आया। अब जब भी मुझे चर्च चाहिए होती है तो एक मैसेज या कॉल करने पे वो मुझे घर तक पहुंचा के जाता है।